बट आई सॉ सम इंटीमेट पिक्चर्स ऑफ हिम एंड हिज गर्लफ्रेंड इन हिज फोन, जो कि हमारे एंगेजमेंट के बाद लिए गए थे। हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेल, जनरली लोग लास्ट में कहते हैं, मैं शुरू और लास्ट दोनों में कहता हूँ, जिसकी वजह से फायदा डबल मिले। लेम। ओके, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है, दैट इज 2.15, वो काफ़ी अलग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये व्लॉग मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ, उसके साथ साथ इसी टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो गई है। Now we are 50,000 plus subscribers वाली वी फैमिली। उसके साथ साथ YouTube had selected me as the creator of the day। दोनों के लिए thank you so much। Why thank you? क्योंकि वो हुआ आपके response की वजह से। So yeah, thank you so much for that। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी बहुत सारी कॉमेंट्स है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि प्लीज हिंदी में वीडियो, प्लीज हिंदी में वीडियो। पर उसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप जो भी वीडियोस देख के ये कमेंट डाल रहे हैं, वो मेरे पुराने वीडियोस हैं जो कि गुजराती में हैं, एज आई एम अ गुजराती। पर उन सभी वीडियोस को, या फिर उनमें से बहुत सारे वीडियोस को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप सिर्फ हिंदी वीडियोस को देखें या फिर प्लेलिस्ट जो है हिंदी की बिंदी उसको देख सकते हैं, उसमें सारे हिंदी वीडियोस हैं। ऑल्सो उन सभी गुजराती वीडियोस में से बहुत सारे वीडियोस को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, या फिर आगे जाके कर दूंगा। सो वरी नक्को। फिलहाल लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग विद जस्ट अ विचार। आज दोपहर की बातें, मैं ऑफिस में था, तभी 3 बजे के आसपास फोन आया। फोन था पापा का। अब जनरली इस टाइम पे पापा का कभी फोन नहीं आता, तो मैंने पहला सवाल यही पूछा थोड़ी चिंता के साथ कि हेलो, सब ठीक है? तो पापा बोले, हाँ सब ठीक है, क्यों? तो मैंने बोला, यार आपने इस टाइम पे फोन किया इसीलिए। तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या मैं अपने बेटे को इस टाइम पे फोन नहीं कर सकता? उस सवाल में दूसरा एक छुपा हुआ सवाल था कि क्या मेरा बेटा मुझे सामने से कभी फोन नहीं कर सकता? अच्छा, एक बात बताओ, वो कौन सा दिन था जब आपने सामने से अपने पापा को फोन किया था? अभी? पॉकेट मनी के लिए नहीं, जस्ट लाइक दैट। मोस्टली कभी भी नहीं। यू नो, जब हम छोटे थे ना, तब हमारे पेरेंट्स हमको सामने से फोन करते थे, क्योंकि तब हम अकेले थे। अब जब हम बड़े हो गए हैं, तब भी हमारे पेरेंट्स ही हमें सामने से फोन करते हैं, क्योंकि इस बार वो अकेले पड़ गए हैं, स्पेशली पापा। पापा कभी कंप्लेन नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। मे बी उनको एक्सपेक्ट ना करने की भी आदत पड़ गई है। एनीवे, मुद्दा ये है कि हम कभी भी अपने पेरेंट्स को, स्पेशली पापा को, सामने से फोन नहीं करते। यू नो, वो बहुत स्ट्रेस में हैं, कभी कभार सैड भी होते हैं, पर कभी बताते नहीं हैं। और अगर उनको पूछो कि क्या हुआ, तो वो पूरी सैडनेस को साइड में लगा देंगे, चेहरे पे एक स्माइल होगा, एंड देन ही इज लाइक, नहीं नहीं, आई एम फाइन, जस्ट लाइक अ सुपरमैन। पर उसी सुपरमैन को कभी कभार एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपका एक कॉल उनके लिए बहुत बड़ा एनर्जी बार बन सकता है। So, शर्म को साइड में रखो एंड कॉल योर सुपरमैन। दिस मैसेज इज फ्रॉम अ गर्ल, फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं उनकी एज या नाम नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने लिखा हुआ है, कुछ महीने पहले की बात है, मेरे एंगेजमेंट हुए। बिफोर एंगेजमेंट माय फियांसे टोल्ड मी दैट ही इज एन ओकेशनल ड्रिंकर एंड स्मोकर। एंगेजमेंट के बाद मुझे पता चला दैट ही ड्रिंक्स रेगुलरली एंड दैट टू 5 to 6 pegs। मैंने वो इग्नोर किया। उसके बाद उसने मुझे ये भी कहा था कि मेरा एक रिलेशनशिप था 3 साल का, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। बट आई सॉ सम इंटीमेट पिक्चर्स ऑफ हिम एंड हिज गर्लफ्रेंड इन हिज फोन, जो कि हमारे एंगेजमेंट के बाद लिए गए थे। वो कहता है कि ही इज रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर मी, बट मुझे अब ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, मैं क्या करूँ? सी, आपके एंगेजमेंट के बाद भी उनका पुराना प्यार अभी भी उनकी जिंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है, वही चीज सबसे बड़ी लाल झंडी है कि आपको रुक जाना चाहिए। फिर भी आपको अपने बिहेवियर और बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद ही ये डिसीजन को लेना चाहिए। कौन से पॉइंट्स? लेट्स टॉक अबाउट देम। सवाल ये है कि बारी बारी ट्रस्ट टूट जाने के बाद क्या आप फिर से ट्रस्ट कर पाएंगे? इवन इफ ही सेज के उसने सब कुछ छोड़ दिया है और उसकी लाइफ में सब कुछ अब क्लीन है, क्या आप फिर से ट्रस्ट कर पाएंगे? और अगर आपके नसीब अच्छे हुए और उसने छोड़ भी दिया, फिर भी क्या आप उसके ऊपर डाउट करना बंद कर देंगे? क्योंकि जब किसी का ट्रस्ट टूटता है, तो बारी बारी किसी के ऊपर डाउट ज्यादा जाता है। सो यहाँ पे भी डाउट जाने के चांसेस है, तो क्या आप डाउट करना बंद कर देंगे? अब इन दो सवालों के जवाब आपके नेचर पे डिपेंड करते हैं। सो जो भी हो वो आपको पता है, आपको मैंने सवाल दिया, आप खुद ही को जवाब दीजिए। दूसरी बात, ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये पूरी लाइफ का सवाल है। एक बार इसमें बंध गए तो इसमें से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप उनको प्यार करते हो, वो बात ठीक है, पर अगर वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आगे जाके वही प्यार घुटन बन जाएगा। तो एक, अपने नेचर को जान लीजिए, दूसरा आप कितना गिव अप कर सकते हैं वो जान लीजिए, और तीसरा आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ वन साइडेड लव, वो सब जान के एक डिसीजन लीजिए।
देखिए मैंने तो अपना ओपिनियन आपको लाल झंडी दिखा के दे दिया है, बट दिस इज योर लाइफ, तो जो भी करे वो सोच समझ कर करे, स्पेशली अपनी हैप्पीनेस को, अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को सबसे आगे रख के ही डिसीजन लीजिएगा। और ये किसी भी केस में एप्लीकेबल है। ट्रस्ट टूट जाने के बाद आप उसी इंसान पे क्या फिर से ट्रस्ट कर पाओगे, उसी सवाल पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको उस इंसान के साथ आगे जाना चाहिए या नहीं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट सेगमेंट, दैट इज कात्या दात्या। जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, मिर्ची जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ के दो डॉग्स हैं, दैट इज स्ट्रे डॉग्स, जिनका नाम है कात्या एंड दात्या। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा होगा। उनमें से एक डॉग, फीमेल डॉग दात्या, शी पास्ड अवे अ मंथ अगो। एनीवे आई मिस हर, बट उस चीज को थोड़े अच्छे से याद करे तो। सो हियर इज अ स्मॉल ट्रिब्यूट वीडियो फॉर दात्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने यहां तक देखा है और पसंद आया है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। आपकी लाइक्स है और आपकी कमेंट्स है मुझे बहुत एंकरेज करती है, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आपको शायद नहीं पता है। सो प्लीज हिट द लाइक बटन। क्या क्या अच्छा लगा, जो भी फीडबैक है वो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। उसके साथ साथ शेयर दिस वीडियो। शायद आपको उतना रिलेटेबल टॉपिक ना लगा हो, बट आपके दोस्तों को शायद लग सकता है, यू नेवर नो। सो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।